सभी लोग एक साथ नहीं आए, बहुत सारे स्टूडेंट थे जो कि ऑनलाइन देख रहे थे, लाइव देख रहे थे, लाइव से सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन लाइव देखने से नहीं होगा, ठीक है, कंबल में घुस के आंदोलन करने से नहीं होगा। तो आप लोग जितने भी रेलवे के स्टूडेंट हैं या किसी भी कॉम्पिटेटिव क्षेत्र के स्टूडेंट हैं, रेलवे हो गए, एसएससी हो गए, बैंकिंग हो गए, आज ये आप लोग देख रहे हैं कि हम रेलवे में रेलवे के ELP के छात्रों के साथ है, कल हो सकता है कि आप लोग के साथ भी ये हो जाए, ठीक है। तो इसलिए आप लोग जितने भी छात्र हैं, अदर कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट का भी, कॉम्पिटेटिव क्षेत्र के भी स्टूडेंट हैं, आप लोग तैयारी करते हैं, तो आप लोग इन लोगों का साथ दीजिए। और कल जहाँ पे कह रहे हैं लोग, कल कहाँ पहुँचने वाले लोग, कल इनकम टैक्स गोलंबर बीजेपी की जो ऑफिस है वहाँ पे पहुँचा, और सभी को देखिए संवैधानिक तरीके से अहिंसात्मक रूप से हम लोग अपनी बातों को रखेंगे शांतिपूर्वक, ठीक है। जैसे कि आज का पूरा आंदोलन कुछ सारी चीज़ें संवैधानिक तरीके से की गई है, कल भी वैसे ही, कल 10 बजे इनकम टैक्स गोलंबर बीजेपी ऑफिस के बगल में सबको पहुंचना है, पटना में जितने भी स्टूडेंट हैं सबको। और कल संडे का डेट इसलिए रखा गया है क्योंकि आज बहुत सारे स्टूडेंट का कहना था कि मेरी क्लासेस थी, जिसकी वजह से क्लास कहां चला। तो कल आप सभी पहुंचे, जितने भी स्टूडेंट हैं और जो यहां पे मीडिया पहुंचे थे, छोटे बड़े जो भी हुए, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आज पहुँचने के लिए, हम लोग की आवाज़ उठाने के लिए। और देखिए आज की जितने भी चीज़ें थी सबको कवरेज करने का मैक्सिमम स्टूडेंट लोग ही किए हैं, जो बड़ी मीडिया है वह नहीं पहुंची थी, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट थे, जो भी मीडिया आए, उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग रिक्वेस्ट है कि कल भी आप लोग आइएगा, ठीक है। तो आइए, इन लोग सुनते हैं कि आगे का कल का क्या प्लान है।